हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारे पास फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। हमें क्या फाइंड आउट करनी है? फोर्स फाइंड आउट करनी है जब हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं। ओके, तो हमने पहले भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ाया। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल को रखते थे तो चार्ज पार्टिकल क्या करता है? एक्सेलरेट करता है। तो वहां पर भी आपके पास फोर्स एक्सपीरियंस्ड होती थी और वो फोर्स कितनी होती थी आपके पास? एफ इज इक्वल टू ई क्यू, राइट। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का है। यहां पर आपके पास चार्ज पार्टिकल कैसा रहता था? रेस्ट में रहता था। किस में रहता था? रेस्ट में। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में जो चार्ज पार्टिकल है हमारे पास, वो किस में है आपका? मूविंग में है, मोशन में है। याद रखना है, जो चार्ज पार्टिकल आपका मोशन में है या फिर रेस्ट में है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्ज पार्टिकल बनाएंगे, राइट। चार्ज पार्टिकल या आपका रेस्ट में हो या फिर मोशन में हो, दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। बट जब चार्ज पार्टिकल ओनली मोशन में होगा तभी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ये कॉन्सेप्ट आप अपना नोट कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। ओके, तो हमारे पास जब चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे हमारे पास ये स्ट्रेट कंडक्टर है, इस स्ट्रेट कंडक्टर में आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके पास हमने एक चार्ज रखा और ये चार्ज किस में है? रेस्ट में है। तो ये चार्ज आपका रेस्ट में ही रहेगा, ये कहीं भी डिफ्लेक्ट नहीं होगा। इसी तरह से हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, करंट फ्लो हो रहा है स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर आई, और यहां पर हमने एक चार्ज रखा, मूविंग चार्ज। कैसा चार्ज? मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज है। तो मूविंग चार्ज है, इसकी वेलोसिटी हो गई v, तो ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा? ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा। किधर साइड? इधर साइड। ये डिफ्लेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता है यहां पर करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड क्या बनी है? एक मैग्नेटिक फील्ड बनी है। उस मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है, तो चार्ज पार्टिकल हमारा क्या हुआ? उसकी तरफ डिफ्लेक्ट हुआ। तो इन दोनों से हमें क्या समझ आ रहा है कि जब चार्ज पार्टिकल आपका मोशन में होगा तभी उसके पास मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगी, जब रेस्ट में रहेगा तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड नहीं होगी। क्लियर? तो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगी? मैग्नेटिक फोर्स एफ एम, मैग्नेटिक फोर्स एफ एम किसके इक्वल होगा? क्यू वी क्रॉस बी के इक्वल। अब इसको ओपन करेंगे हम, मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेके आएंगे, तो क्यू वी बी साइन थीटा। जो ये मैग्नेटिक फोर्स है वो किस पे डिपेंड करेगी? बहुत सारी बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है कि जो एफ एम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्यू, और एफ एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बी, एफ एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वी साइन थीटा। किसके इक्वल? वी साइन थीटा, वी साइन थीटा के इक्वल, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अब इन इक्वेशंस को हम क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। कंबाइन करके हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? एफ एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू बी वी साइन थीटा। ओके, आपको पता है जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसके साइन को रिप्लेस करेंगे बाय अ कॉन्स्टेंट K, तो K कॉन्स्टेंट आ गया क्यू बी वी साइन थीटा। ओके, इफ K इज इक्वल टू वन देन एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ओके, ये आ गई हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स। अब ये देखिए कि जो ये मैग्नेटिक फोर्स है चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है, और वेलोसिटी का साइन कंपोनेंट है। वेलोसिटी का साइन कंपोनेंट है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये हमारे पास कॉस कंपोनेंट पर डिपेंड नहीं करती है, राइट। अब ये देखिए हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स की कुछ कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन हो गई हमारे पास, इफ हमारे पास चार्ज क्या है? जीरो, तो फोर्स क्या होगी आपके पास? जीरो होगी। सेकेंड कंडीशन आती है, यदि आपका वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। वेलोसिटी जीरो है, इट मींस चार्ज किस में है? चार्ज
सिस्टम है, तो वेलोसिटी क्या हो गई जीरो, तो एफ एम भी क्या हो गई आपकी जीरो। थर्ड कंडीशन है आपके पास, थर्ड कंडीशन में आ गया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, यदि मैग्नेटिक फील्ड आपकी बी जीरो है तो एफ एम भी क्या होगा आपके पास जीरो होगा। ओके, अभी देखो फोर्थ कंपोनेंट है आपका, फोर्थ पॉइंट, सॉरी कंपोनेंट नहीं, फोर्थ पॉइंट थीटा। यदि आपका थीटा जीरो है और 180 है, 180 डिग्री है, तो इसका मतलब है आपको पता है जब हम लिख रहे हैं वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी, इसका मतलब है कि वी क्रॉस बी के जो बीच में एंगल बनेगा वो कितना बन रहा है आपका थीटा। इसका मतलब है कि यदि आपके पास थीटा जीरो है 180 है, इट मीन्स बी आपके पास इस डायरेक्शन में है, तो वी बी आपकी सेम डायरेक्शन में है, तब आपका थीटा क्या बनेगा जीरो बनेगा। थीटा जीरो होगा तो हमारे पास फोर्स क्या होगी, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन जीरो, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है जीरो। सेम इधर साइड एफ एम क्या होगी, जब ये 180 का एंगल बनाएंगे इसका मतलब बी आपके पास यदि इस डायरेक्शन में है तो बी इस डायरेक्शन में होगी। ये केस आएगा आपका पैरेलल का, किसका केस आएगा पैरेलल का, कि जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल में है। ओके, अब यहां पर आपके पास एंटी पैरेलल क्या है, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल है, तो एंटी पैरेलल में आपको पता है एंगल कितना बनता है 180 का बनता है, और साइन 180 क्या होता है आपके पास जीरो होता है, तो फोर्स क्या होगी इस केस में भी जीरो होगी। ओके, नेक्स्ट केस है आपके पास फिफ्थ, फिफ्थ केस में क्या है कि थीटा आपके पास 90 डिग्री है, मींस वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पर है, तो क्या होगा एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा बी साइन थीटा। थीटा हो गया 90 डिग्री और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो एफ एम किसके इक्वल होएगा हमारे पास क्यू वी बी के इक्वल। इसी केस में आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी, क्या मिलेगी मैक्सिमम मिलेगी, राइट। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब आती है इसके बाद डायरेक्शन, यहाँ पे फोर्स का मेन रोल किसका है आपका डायरेक्शन का है। डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखिए, जो ये पूरा चैप्टर है आपका मैग्नेटिक फील्ड में, इसमें बस हाथों का ही चक्कर है, कभी लेफ्ट है तो कभी राइट है। यदि रूल समय है ये लगाने आ गए तो हमारे पास जो ये चैप्टर है वो बेस्ट हो जाएगा हमारे पास। तो अब नेक्स्ट आएगा हमारे पास डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन। एक तो हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन निकालने का वही तरीका है जो हम 10th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, कौन सा रूल है आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड और ये रूल। तो इसमें क्या होती है हमारे पास थंब, फोर फिंगर, मिडल फिंगर, ये एक दूसरे के क्या होती है आपकी परपेंडिकुलर होती है। फोर्स जो हमारे पास ये थंब होता है, ये थंब डायरेक्शन देता है आपकी फोर्स की, फोर फिंगर मींस फर्स्ट फिंगर डायरेक्शन देती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड की, सेंट्रल फिंगर डायरेक्शन देती है आपकी करंट, इट मींस चार्ज के मोशन की, मींस वेलोसिटी, राइट। दोबारा से देखो, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे क्या आएगी मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, राइट। तो सबसे पहले जब भी हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएं तो ध्यान रखना है सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड को उस फील्ड की डायरेक्शन में रख दो, उसके बाद इसको सेट कर दो मोशन को और फोर्स अपने आप निकल जाएगी, ठीक है। सेकंड रूल आता है आपका राइट हैंड, राइट हैंड पाम रूल, पाम रूल, ये राइट हैंड पाम रूल मैंने पहले भी बताया था आपका, क्या लेना है राइट हैंड लेना है, अब की बार थोड़ा अलग है। इसमें क्या आएगा आपके पास, जो हमारे पास ये फिंगर्स होंगी, ये फिंगर्स डायरेक्शन देंगी मैग्नेटिक फील्ड की,
थंब डायरेक्शन देगा आपको मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल मींस वेलोसिटी, और जो ये हथेलियां होंगी ये वाली चीज ये क्या देगी आपको फोर्स की डायरेक्शन। जैसे मैं अभी एग्जांपल लेती हूँ कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉसेस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड आपकी इनसाइड है तो चार्ज पार्टिकल आपकी वेलोसिटी इस तरह से दे रहा है, तो क्या होगा फिंगर्स को किस में रखे हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और ये किसकी डायरेक्शन वेलोसिटी, तो फोर्स कहाँ होगी हमारे पास ऊपर की तरफ मींस अपवर्ड डायरेक्शन राइट। नेक्स्ट एक रूल और ले लेते हैं हमारे पास, कौन सा रूल है हमारे पास थर्ड रूल स्क्रू रूल। कौन सा स्क्रू रूल, स्क्रू रूल कौन सा होगा हमारे पास, जैसे थीटा हमें पता है वी और बी के बीच में है और आपको पता है जहां पर ये दोनों लाइनें मिलती हैं इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर हम क्या रखें स्क्रू रखें और स्क्रू को घुमाना है हमें वी से बी की तरफ, वी से बी की तरफ इस तरह से, तो स्क्रू को घुमाओ वी से बी की तरफ, कैसे जा रहा है अंदर की तरफ, कैसे जा रहा है अंदर की तरफ, सॉरी ऐसे ये जाएगा अंदर की तरफ, ये है आपका बाहर की तरफ, ऐसे ऐसे देखो ऐसे, तो ऐसे जाएगा तो खुल रहा है तो क्या आएगा आउटवर्ड। यदि ये डायरेक्शन आपके पास ऐसे आ जाती है यहां पे वी और ये बी तो कैसे जाएगा आपकी बार इस तरह से, तो कैसे जा रहा है ऐसे, तो ऐसे क्या होगा अंदर की तरफ इनवर्ड, कैसे जाएगा अंदर की तरफ इनवर्ड। तो ये हमारे पास क्या हो गई डायरेक्शन हो गई, फोर्स की डायरेक्शन निकालने के रूल्स हो गए, क्लियर। अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं इस पर, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। जैसे हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल लिया कि हमारे पास क्रॉसेस है मींस मैग्नेटिक फोल्ड किधर हो गए हमारे पास इनवर्ड और चार्ज पार्टिकल हो गए आपके पास इस डायरेक्शन में क्यू। अब लगाइए मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड और वेलोसिटी इधर साइड तो किधर होगी आपके पास सबकी बार फोर्स, हथेली नीचे की तरफ तो नीचे की तरफ, फोर्स किधर हो गई नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन। यदि यही चार्ज पार्टिकल आपका नेगेटिव हो जाए ऐसे तो आपको पता है हमें पॉजिटिव चार्ज लेना है और पॉजिटिव चार्ज किधर हो गए जस्ट इसके अपोजिट, तो क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड चार्ज पार्टिकल इधर तो इसके अपोजिट लेना है, तो मैग्नेट अब डायरेक्शन किधर आ गई मैग्नेटिक फोर्स की ऊपर की तरफ राइट। और एग्जांपल ले लो जैसे ये डॉट ले लिए, हाँ डॉट का मतलब क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है हमारे पास आउटवर्ड है, ये हमने पाल्म रूल लगाया था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ इसमें किधर होगा देखो पॉजिटिव के साथ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल आपका किधर आएगा ऐसे ऐसे, तो फोर्स आ गई ना डाउनवर्ड, फोर्स किधर आ गई आपके पास डाउनवर्ड और इससे किधर आई थी ये भी आपके पास डाउनवर्ड आई थी क्लियर। अब ये देखो आपके पास, अब हमारे पास क्या ले इसमें नेगेटिव चार्ज ले, क्या ले नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज में लगाओ आपके पास क्या होगा नेगेटिव चार्ज में क्या होगा आपके पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड चार्ज ये इधर साइड है तो अबकी बार इधर साइड लेना तो किधर आ जाएगी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। पान रूल से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड चार्ज पार्टिकल अपोजिट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन। सेम हमारे पास डॉटेड कर लो कि हमारे पास जो ये फोर्स चार्ज है आपका इधर साइड जा रहा है ठीक है ऐसे। अब ये देखिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर है आपके पास आउटवर्ड, देखो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड चार्ज पार्टिकल उधर साइड कैसे घुमाएंगे ऐसे, तो आ गई आपके पास डाउन, ये रूल लगाओ राइट हैंड पाल्म रूल लगाओ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है बाहर की साइड किधर आएगी बाहर की साइड ऐसे और पार्टिकल का मोशन किधर साइड ऐसे आ गई किधर साइड नीचे की साइड ठीक है। और इधर साइड से किधर आई हमारे पास देखो ये आई हमारे पास ऐसे, ये लिया हमने आउटवर्ड ऐसे और ये ऐसे देखो ये भी आपकी किधर आ रही है नीचे की तरफ क्लियर। आई होप आपको ये डायरेक्शंस समझ आ गई होंगी, ये हाथों का चक्कर है और हाथों के चक्कर में जितने आप बेस्ट परफॉर्म कर जाओगे जितना आप अच्छा समझ जाओगे उतने अच्छे से ही ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा ये वाला चैप्टर और आपका नेक्स्ट चैप्टर भी आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स।
थैंक यू।